महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक आदि माया आदिशक्ति महिषासुर मर्दिनी माता तुलजा भवानी एक है। तुलजा भवानी का ये मंदिर पवित्र श्री क्षेत्र है। यहाँ स्थित माता तुलजा भवानी को माता सती का ही रूप माना जाता है। आदिशक्ति आदि माया महिषासुर मर्दिनी का ये पवित्र मंदिर महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर तुलजापुर में स्थित है। मराठा साम्राज्य के राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को माता भवानी ने प्रसन्न होकर तलवार प्रदान किया था। माता भवानी महाराष्ट्र राज्य के कुल देवी अर्थात मराठों की कुल देवी है। ऐसा माना जाता है कि माता महिषासुर से युद्ध करते समय माता के मुख से 22 देवियों प्रकट हुए, जिनमें 12वीं माता तुलजा भवानी है। माता तुलजा भवानी को आदिशक्ति आदि माया महिषासुर मर्दिनी अंबाबाई अनेकों नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ स्थित है, उनमें से 3 पूर्ण शक्तिपीठ और 1 अर्धशक्तिपीठ है, जो इस प्रकार है। तुलजापुर की माता तुलजा भवानी, कोल्हापुर की महालक्ष्मी, माहूरगढ़ की रेणुका देवी। ये तीनों मंदिर पूर्ण शक्तिपीठ है। अर्धशक्तिपीठ वणिगढ़ की माता सप्तश्रृंगी देवी है। पौराणिक कथा के अनुसार कृतयुग में करदम नामक एक ब्राह्मण की पत्नी अनुभूति थी। अनुभूति अत्यंत सुंदर और सुशील पत्नी थी। करदम ब्राह्मण की मृत्यु हुई तब अनुभूति ने सती होने का प्रण लिया, परंतु गर्भवती होने के कारण उन्हें सती होने का विचार त्यागना पड़ा। अनुभूति ने मंदाकिनी नदी के तट पर तपस्या प्रारंभ कर दिया। कुकर नामक राजा अनुभूति के ध्यान में भंग कर दिया। तब अनुभूति ने माँ की प्रार्थना करने लगी और माता दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। माँ के साथ युद्ध करने के दौरान कुकर एक महिष रूप में परिवर्तित हो गया, तो माता ने महिषासुर का वध कर दिया। इस कारण से माता दुर्गा को त्वरिता नाम से जाना जाने लगा, जिसे मराठी में तुलजा कहते हैं। तब से माता को तुलजा भवानी नाम से जाना जाने लगा। मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। दोस्तों, आपने अभी तक महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों की कथा नहीं सुनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज़रूर देखना। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय शिवाजी, जय भवानी।